तीसरे परमाणु को ग्रहण किया है, फिर छोड़ दिया है। जितने भी वर्णाएं यहां नौ कर्म की वर्णाएं हैं, जितने भी नौ कर्म की वर्णाएं थी, उन समस्त वर्णाओं को आपने बार बार ग्रहण किया है और बार बार छोड़ा है। उच्चिष्ट है, क्या है? उच्चिष्ट। जानते हो उच्चिष्ट क्या होता है? उच्चिष्ट का मतलब है बमन। जो हमने ग्रहण किया फिर हमने छोड़ दिया, वो बमन किया हुआ हम बार बार उसमें ग्रहण करते हैं और वही परमाणु फिर से आ जाता है अपनी पर्याय में और पुल हमको लगता ही नया है। उसमें हम आसक्ति करते हैं। आप देखो ना, किसी भी इंद्री का विषय आप बनाते हैं, पांचों इंद्रियों के विषय जो हैं वो सब के सब विषय हैं क्या? पुद्गल है, और उन पुद्गल में भी हम रचे पचे हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है, देखो ये मुलायम मुलायम है, क्या है? ये कोमल है, ये कठोर है, क्या है ये? ये ठंडा है, ये गर्म है, ये रूखा, ये चिकना है। पूरा जीवन हमारा इसी में चल रहा है। विचार तो करो, चाहे रूखा चिकना ठंडा गर्म हो और चाहे नरम हो, चाहे कठोर हो, जो भी है वो स्पर्शन इंद्रिय के जो जो विषय है आठों, वो सब क्या है? पुद्गल है। और आप इसी में तो राग करते हैं। अभी आपको ठंडे लगने लग जाए तो आप गर्म पदार्थ में राग करेंगे और ठंडे में आप द्वेष करने लगेंगे, अच्छा नहीं है। ठंडी लग रही है, कुछ गरम गरम व्यवस्था करो, और गरम बहुत अच्छा लग रहा है, आपने हीटर रख दिया, ये गरम गरम कुछ लग रहा है, अच्छा लगा आपको। और जब ग्रीष्म काल आया तो उस समय गर्मी लग रही, बहुत गर्मी लग रही, क्या हो रहा है? तो गर्मी से आपको क्या हो रहा है? कहाँ से इतनी गर्मी हो जाती है? बहुत टेम्परेचर हो रहा है। अभी था ना, बहुत टेम्परेचर हो रहा है, सब पस्त हो गए थे गर्मी के कारण, द्वेष होने लगा था। और जब मौसम ठंडा हुआ राग होने लगा, और जब ज्यादा ठंडा हो गया तो फिर क्या हुआ? बारिश का इंतजार चल रहा था, बारिश नहीं हो रही, और बारिश शुरू हो गई तो अब क्या इंतजार चल रहा है? अब बारिश बंद हो जाए, अब धूप निकल आए। ये कहानी है जीवन के साथ। कभी हम बारिश की आकांक्षा करते हैं तो कभी हम धूप की, ये धूप और छांव का खेल चलता है। गर्मी में हमें छांव अच्छी लगती है तो ठंडी में धूप अच्छी लगती है। पदार्थ जो जो भी हमारे जीवन के लिए, अगर कोई कठोर पदार्थ चुभने लगता है तो हम बेकार लगता है, और कोई मृदु मृदु मिल जाए, मुलायम मुलायम, चिकना हो मुलायम हो, अच्छा लगता है, बहुत सॉफ्ट है। ये सभी के सभी जो हमारे विषय हैं आठों, वो सभी पुद्गल हैं। और हम देखो ना, अपने जीवन को इर्द गिर्द देखो, इसी में लगे हुए हैं। हाँ, इसी में लगे हुए हैं आप, इसी में लगे हैं। ये भोग
हमने हर परमाणुओं को विषय बनाया है, चाहे वो रुक्ष परमाणु हो और चाहे स्निग्ध परमाणु हो, और स्निग्ध रुक्ष दोनों मिलकर के बंध हुआ है, और उस बंधे हुए पदार्थ में हमने राग किया है तो फिर हमें बंध हुआ है। स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधा, बंध होता है ना तो कौन से परमाणु मिलते हैं? स्निग्ध परमाणु मिलते हैं और रुक्ष परमाणु मिलते हैं, और स्निग्ध रुक्ष परमाणु मिलकर के पुद्गल का बंध होता है, और उस पुद्गल के बंध में हम राग द्वेष करते हैं तो हमारे साथ कर्म का संश्लेष हो जाता है और वो बंध होता है, और जब कर्म का संश्लेष हो जाता है तो फिर हमें संक्लेश होता है, और संक्लेश से फिर संश्लेष होता है, और संश्लेष में फिर जाते हैं तो संक्लेश होता है, इसी का नाम संसार है। बंध हुआ, उदय आया, राग किया, द्वेष किया, फिर नया कर्म का बंध हो गया, फिर उदय में आया, फिर हमने राग द्वेष कर लिया, एक कर्म से कर्म बंध की श्रृंखला जो निरंतर चलती है, इसी का नाम तो संसार का पर्यटन है, और हम इसी में पर्यटन कर रहे हैं। देखो ना जीवन की दशा, जब कर्म का कोई उदय आता है तो आप क्या करते हैं? रोते हैं, आंसू बहाते हैं, और फिर बार बार आर्त ध्यान करते हैं, पीड़ा चिंतन करते हैं, उसी में जाता है उपयोग, उसी में बार बार उपयोग जा रहा है आपका। अब आपका उपयोग काम नहीं कर रहा है उपयोग में, आपका उपयोग काम कर रहा है पीड़ा में, तो वो पीड़ा चिंतन बन जाती है, पीड़ा तो नहीं होता, पीड़ा चिंतन हो जाते हैं, और पीड़ा चिंतन आर्त ध्यान से फिर नया कर्म का बंध हो जाता है, फिर संसार बच गया। हमने पुद्गल के टुकड़ों को लेकर के बहुत आरंभ किया, परिग्रह किया, जोड़ करके रखा, जोड़ जोड़ करके हम रख गए, और कर्म का बंध किया हमने, नरक आयो। क्या किया हमने? उन पदार्थों में आसक्ति करके, चाहे वो भवन हो, चाहे वो साधन संसाधन हो, इंद्रिय के विषय हो, वो सभी को हमने जोड़ करके संग्रहित किया है, फिर हमें देख देख करके हम देखो राग कर रहे हैं, और नहीं है तो फिर हमको संक्लेशता हो रही है। अब क्या हुआ? कर्म का बंध है, कोई नरक आयुक, कोई तिरंजायु, दुर्गति का पात्र बन रहा है। किसके कारण पात्र बना? उन पुद्गल के टुकड़ों के कारण, और पुद्गल के टुकड़ों के कारण ये निमित्त बनकर के अपने परिणाम करता है। वे पुद्गल के टुकड़े कर्म बंध का कारण नहीं, और बतला देता हूं, कोई भी पदार्थ कर्म बंध का कारण नहीं है। कर्म बंध का कारण अगर कोई है तो हमारे स्वयं की भाव दशा है, हमारे परिणाम है, लेकिन वो हम उसको निमित्त भूत बना लेते हैं और उसमें राग द्वेष करते हैं। कब किसने कहा? भवन ने कब स्वीकारा तुम्हें? लेकिन तुमने ही स्वीकारा भवन के लिए दुलीचंद जी, कि मेरा भवन है। आज तक किसी भवन ने आपसे नहीं कहा कि मैं तुम्हारा हूं। बोलो, किसी भी, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे दुकान हो, और चाहे संसार का कोई भी पदार्थ हो, गाड़ी, बंगले, किसी ने आज तक तुम्हें स्वामी स्वीकार नहीं किया है, लेकिन तुम, मैं इसका स्वामी हूं। इसका भवन अधिपति कौन? मैं हूं। तो सब हंसते हैं तुमसे, जितने भी भवन है, कार, बंगले, जो जो भी है, पुद्गल पदार्थ है, वो सभी के सभी खड़े होकर के हंसते हैं तुम्हारे अज्ञानता पर, तुम्हारा जो अध्यवसाय है, जो तुम्हारा परिणाम है, सभी हंसते हैं, मुस्कुराते, कहते देखो कितना अज्ञानी जीव है, ये जबरदस्ती में अधिपत्य कर रहा है, कितने लोग आकर के चले गए, मैं तो वही हूं लेकिन सब चले गए, सबकी तस्वीरें जरूर हैं, वो भी टंगी हुई तस्वीरें हैं, और वो भी पुद्गल हैं, क्या है? पुद्गल हैं, लेकिन सबको अपना मान मान करके, यही तो हमारा संसार परिवर्तन है।
यही है द्रव्य परावर्तन की कहानी सुना रहा हूं तुम्हें। मैंने अज्ञानता के कारण, मिथ्यात के कारण ये हमने ऐसा परिवर्तन किया है। कभी हमने रसना इंद्री का विषय बनाया, भोग किया, उसमें भी राग द्वेष कर लेते हैं, पदार्थ आता है मोह से कोल लेते हैं, अच्छा नहीं बनाया भोजन, हमारी जिह्वा इंद्री को अच्छा नहीं लग रहा है रसना के लिए, और जो रसना के लिए अच्छा लगा बहुत अच्छा बनाया, आज तो बहुत अच्छा बना, आज तो मीठा ही मीठा था, आज तो गुलाब जामुन थे, अरे आज तो आनंद आ गया मीठा मीठा खाके, और जिस दिन मीठा नहीं था अरे आज तो क्या बनाया, कुछ भी नहीं बनाया। जिसको मीठा पसंद था उसको मीठा वाले, और जिसको मीठा पसंद नहीं था नमकीन वाला, आज बहुत अच्छा लगा नमकीन नमकीन बनाया है, क्या तुम मीठा मीठा रख देते हो। इस प्रकार के नमकीन वाला नमकीन में रसालो हो गया, मीठा 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 रसालो हो गया, जो जिसको इष्ट लग रहा है उसी में चला गया, लेकिन जो इष्ट था उसको भूल गया। किसको? इष्ट को भूल गया। और जो इष्ट नहीं है उसमें इष्ट, उसको इष्ट मान करके उसमें निष्ठ हो गया, और इष्ट में फिर अंत में क्या होता है, उसी इष्ट को मान करके कष्ट होता है, उसी में कष्ट होता है। अब तुम्हें अच्छा लग रहा था, अब तुम्हें शुगर हो गया, डॉक्टर ने मना कर दिया, अब तुम्हें कष्ट होने लगा। तुम्हें नमक बहुत अच्छा लग रहा था, अब तुम्हारे लिए बीपी हाई, अब नमक मना कर दिया, अब क्या होगा, बिना नमक खा लो। ये सब रसना इंद्री के विषय हैं, पता है, लेकिन हमने कितने बार इनको भोगा है, जबकि पता है कि जिब्बा पर रखते ही नीचे उतरते हैं, घाटी उतरे ही माटी हो जाते हैं। चाहे कितना भी सुंदर व्यंजन हो, कितना भी अच्छा हो, सब बनना तो मल है। क्या होना है? सब मल बनेगा, लेकिन उसके लिए भी हम कितना राग द्वेष कर्म बंद करते हैं, आरंभ कितना करते हैं हम, और कितनी कितनी इच्छाएं जोड़ते हैं, कितनी कितनी कल्पनाएं करते हैं बैठ करके, आज मुझे ये करना है, ऐसी तैयारी करना है, ये करना, उसके बाद फिर उसके बाद पहले भी पे बाद में रस्ते हैं, और बाद में भी उसकी बात चर्चाएं, भोजन कथा कौन सी है, भोजन कथा रूपी प्रमाद से हम कर्म का वंद करते हैं। ऐसी कर्म वंद करते हैं हम, देखो कभी कभी बैठ के व्यर्थ में ही कर्म वंद करते रहते हैं, किसी कुछ काम नहीं होने पर बैठे आराम से, अभी कथाएं चल रही है, संसार का निर्माण चल रहा है, तैयारी चल रही है, दुखों की तैयारी चल रही है, किसकी, कष्टों की तैयारी, कर्म को तुम आमंत्रित कर रहे हो बैठ करके आराम से, स्त्रियों की कथा कर रहे हैं, स्त्रियां पुरुषों की कथाएं कर रही है, भोजन की कथाएं चल रही है, कभी राज की कथा चल रही है, कभी राज की कथा चल रही है, अथवा चोर कथा चल रही है, ये सब कथाएं हमारे जीवन में, ये भी कथा है, और इसको प्रमाद कहा आचार्यों ने, भी कहा तहा कसाया इंदिया इंदी निद्य तय पड़े हो, चदु चदु पण मेघम होंती पमादा हो पण रसा। आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती नेमी चंद्र स्वामी गोमर सजीव कंड में लिखते हैं, ये 15 प्रकार का प्रमाद है। क्या है? और 15 प्रकार के प्रमाद, ये नींद लेना भी प्रमाद है, बैठे बैठे झपकी मार रहे हैं, सो रहे हैं अब साथ आराम से, ये क्या है, ये प्रमाद है। इंदी निद्दा 5 इंद्री के विषय, ये प्रमाद है। चारों कषायें, इसको भी प्रमाद में रख दिया है। और स्नेह पिणय होना, ये भी क्या है, ये प्रमाद है। और प्रमाद के भंग बनाएंगे, बहुत भंग बनते हैं,
अस्सी प्रभात का प्रभात भंग बन जाते हैं और भी 37,000 से ऊपर बन जाते हैं, बहुत भंग बनते हैं। कैसे कैसे प्रमाद में जी रहा है जीव। तो रसना इंद्रिय के लिए अच्छा लगना चाहिए। कोई खट्टा पसंद करता है तो कोई कड़वा पसंद कर रहा है, कोई कसायला पसंद कर रहा है, कोई कुछ चरपरा अच्छा लग रहा है, कुछ नहीं बना। आज तो मसाला था ही नहीं, आज तो मिर्ची थी ही नहीं, तीखी मिर्ची डाल दी, बहुत अच्छा। जीभ चिल्लाई है, आंखों से जब तक आंसू न बहने लगे हैं, गंगा जमुना प्रवाहित ना हो, लेकिन मिर्ची के बिना नहीं चलता काम। और मीठा, ये पांच रसना इंद्रिय का विषय। किसका? रसना इंद्रिय का विषय बना, सुगंध दुर्गंध बनी हुई है, इनमें लगे हम। अच्छा अच्छा इत्र होना चाहिए, बदबू है, खुशबू है, अरे एक से द्वेष, एक से राग। क्या कर रहे हैं? एक से द्वेष कर रहे हैं, एक से राग कर रहे हैं। चक्षु इंद्रिय का विषय बना रहे हैं, किसी को हरा पसंद है तो किसी को नीला पसंद है, किसी को काला अच्छा लगता है, हैं? किसी को पीला, किसी को लाल, किसी को धवल, इनमें भी लगे हैं। और कोई सारे गामा पाधानी में लगाया है, क्या कंठ है, क्या सुर है, क्या कान में शब्द आ रहे हैं। बिना संगीत के काम नहीं चलता है, कोई संगीत की मगर दुनिया में चले, कर्ण इंद्री का विषय बना रहे हैं। ये सब क्या है? इसी में लगे हैं। आचार्य ये कह रहे हैं, ये द्रव्य संसार जो है, पुद्गल संसार जो है, एक भुक्तुर्जिता मोहर मोहन मया सर्वे पुद्गला उच्चिष्ट मम विज्ञस काश प्रहा। इष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं, देखो भुक्तुर्जिता जो तुमने भोगा है उसको तुमने छोड़ा है। क्या किया है? जो तुमने भोगा है उसको तुमने छोड़ा है, और मोहर मोहर बार बार छोड़ा, बार बार ग्रहण किया है, बार बार मल बन करके गया, उसके परमाणु बिखरे, वो परमाणु फिर नए रूप में आ गया, फिर तुमने भोग कर लिया, फिर तुमने छोड़ दिया। भक्तोर्जिता मोहर मोहन मया सर्वे पुद्गला, मया माने मेरे द्वारा, सर्वे अपि, एक भी ऐसा पुद्गल नहीं जिसको तुमने भोग न किया। मया सर्वे भी पुद्गला उच्चिष्ट, इसलिए आचर कह रहे हैं उच्चिष्ट है, बमन है, उल्टी है। तेस बद तेसु वद्य मम काश्परहा, जो विज्ञ है, ज्ञानी है, वो इसमें इच्छा नहीं करता है, स्प्रय नहीं करता, अभिलेषा नहीं करता है, उसमें राग नहीं करता है। लेकिन जो विज्ञ नहीं है उसी में राग द्वेष करता रहता है।